तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर बनाया गया और उस मंदिर का नाम रखा गया कलावंड कोड। इस मंदिर में मूर्ति की जगह दर्पण रखे गए और संदेश दिया गया कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। ये बोल है महापुरुष नारायण गुरु के। तो आज बात होगी महापुरुष नारायण गुरु की, जिन्होंने समाज में जातिवाद के फैले जहर को कम करने में अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की स्टोरी अंबेडकर से थोड़ी सी हटकर है, क्योंकि अंबेडकर को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हर कोई जानता है, हर कोई उनके योगदान को जानता है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम से हो गए हैं, जिनके बारे में जानना समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, और खासकर जब वह व्यक्ति बहुजन समाज से जुड़ा हुआ हो उसके लिए। आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है, जब केरल राज्य के ट्रावनकोर और कोचिन में जाति को लेकर बड़ा भेदभाव देखने को मिलता था। यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों को जहाँ मंदिर, विद्यालय और सार्वजनिक स्थलों में जाने की मनाही थी, तो वहीं पानी पीने के लिए भी उन लोगों को मनाही होती थी। इस जाति के लोगों को कुओं का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। लोग इनकी परछाई से भी दूर भागते थे और बड़े तो बड़े बच्चों के साथ भी भेदभाव देखने को मिलता था। बहुजन समाज के बच्चों का जब नामकरण होता था तब भी उसमें भेदभाव होता था, उसमें भी एक अच्छा नाम रखने की उन्हें मनाही होती थी। इसी के साथ सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर मौत की सजा तय थी। भले ही उल्लंघन गलती से हो गया हो, लेकिन सजा सिर्फ मौत ही थी। इन सारे अत्याचारों को खत्म करने के लिए एक शख्स का जन्म हुआ, जिसने समाज के इस जाति के रुख को बदल कर रख दिया। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी समाज चार वर्णों में बटा होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। लेकिन केरल में पूरे समाज का ये बंटवारा ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के बीच में था। जाति के नाम पर भेदभाव की इस स्थिति को बदलने का संघर्ष करने वाले महापुरुष का नाम था नारायण गुरु। नारायण गुरु का जन्म 1856 में केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गाँव में हुआ था। नारायण गुरु एझावा जाति के थे और उस समय की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इसे अवर्ण माना जाता था। अपने माता पिता की चार संतान में एकमात्र बालक होने के कारण उनका नाम नानू रखा गया। बचपन से ही वो प्रतिदिन संस्कृत काव्य पाठ करते और मंदिर में पूजा और एकांत में ध्यान भी करा करते थे, और फिर 14 वर्ष की आयु में वो नानू भक्त बन गए और इसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद नानू को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक योग्य अध्यापक रमन पिल्ले असन के पास भेज दिया गया। रमन पिल्ले एक स्वर्ण हिंदू थे और नानू जन्म से ही अछूत थे। इसकी वजह से उन्हें अपने गुरु के घर के बाहर रहकर अध्ययन करना पड़ता था। ये बात उनके दिल को बहुत चोटिल करती थी। संस्कृत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1881 में नानू अत्यधिक बीमार पड़ गए थे और उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। वहीं ये भी कहा जाता है कि 1881 में उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, तब वो अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद उन्होंने वहां एक स्कूल शुरू किया, जिसमें वह स्थानीय बच्चों को पढ़ाया करते थे, जिससे उनका नाम नानू आसन पड़ गया। वहीं एक साल बाद उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई, किंतु कुछ वर्षों के बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। जहां 14 वर्ष की आयु में उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई, उनके पिता और पत्नी का साथ छूट गया, तो उसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया और सन्यासी का जीवन अपना लिया। फिर अपने प्रवास के दौरान वो एक गुफा में पहुंचे, जहां उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। यही वो जगह थी जहां उन्होंने ध्यान और योग का अभ्यास किया। गांव-गांव घूमे, जो भोजन मिला उसे ग्रहण किया, उसे किया, और उसके बाद उन्होंने भ्रमण के दौरान कई व्यक्तियों से मिले और पिछड़े वर्ग से घुल मिल गए। बहुत सारी बातें उन्होंने की, उनको समझा उन लोगों को, और यही वो वजह थी जिससे सभी लोग उनसे प्रभावित होना शुरू हो गए और उनकी आइडियोलॉजी को लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। उनके प्रति लोगों के दिलों में श्रद्धा जगी और नानू आसन से वो नारायण गुरु कहे जाने लगे। समाज की इन अनेकों कुरीतियों से, जाति के इस भेदभाव से तंग आकर गुरु नारायण ने अरुविपुरम के घने जंगलों में एकांत में वास करना शुरू कर दिया। इसी दौरान समाज की इस स्थिति को बदलने के लिए गुरुजी को एक मंदिर बनाने का विचार आया और उन्होंने एक ऐसा मंदिर बनाया जिसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव ना हो, और इस मंदिर ने इतिहास रच दिया। इस मंदिर से एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया गया। इस मंदिर में किसी को आने की मनाही नहीं थी। बिना किसी जातिगत भेदभाव के कोई भी
पूजा कर सकता था। इस पूरी स्थिति को बदलने के लिए और बेहतर समाज बनाने के लिए श्री नारायण गुरु स्वामी ने खुद को समर्पित करके रख दिया। उन्होंने केरल के पूरे समाज को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और इसे नारायण स्वामी ने सर्वप्रथम 1914 में अपनी रचना जाति निर्णयम में शामिल किया और उसके बाद 1920 में गुरु नारायण ने इसे अपने जन्मदिन के संदेश के रूप में घोषित कर दिया। यहाँ जाति शब्द का एक अलग अर्थ है। यहाँ इसका मतलब हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था नहीं, बल्कि संसार के सारे मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के एक प्रजाति के रूप में देखने की बात है। इस नारे का दूसरा हिस्सा भी है जो मनु संहिता पर आधारित वर्ण जाति व्यवस्था की बुनियाद को ही चुनौती देता है। ओरु योनि ओरु अकारम ओरु भेदावुम इल्ला इतिल, जिसका मतलब है सारे इंसान योनि से पैदा होते हैं, मनुष्य के आकार भी एक समान है, इसमें कोई भी भेद नहीं है, तो फिर जाति के आधार पर भेद क्यों? श्री नारायण किसी भी ऐसे धर्म और ईश्वर को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे अक्सर कहा करते थे कि भगवान और इंसान दोनों उनके गुरु हैं। इसी के साथ साल 1921 में विश्व भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके लिए उन्होंने जो संदेश लिखा उसका तात्पर्य यह था कि मनुष्यों में संप्रदाय, पहनावा, भाषा आदि के अंतर के बाद भी वे सब एक ही सृष्टि के हैं। सबका सबके साथ खान पान और वैवाहिक संबंध होना जरूरी है और होना भी चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य की एक जाति है और वह है मानव जाति। श्री नारायण गुरु स्वामी ने जाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। बेशक वो पूरी मानव जाति में इस भेदभाव को खत्म ना कर पाए हों, लेकिन उनके द्वारा शुरू किया ये काम आधुनिक केरल के पहले व्यक्तित्व का प्रमाण है, जिसके बाद बंधुता आधारित आधुनिक केरल की नींव डाली गई और जिसे बहुत सारे अन्य व्यक्तित्वों, संगठनों और सामाजिक आंदोलनों ने आगे बढ़ाया। और यही स्वामी नारायण भी चाहते थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव वाले इस जहर को लोगों के दिलों से बाहर निकाल के रख दिया। आप हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या आप इससे पहले स्वामी नारायण गुरु के बारे में जानते थे? क्या आपको पता था स्वामी नारायण गुरु कौन थे और उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया था? बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।